गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग का सिक्स रिवीजन क्लास है। इसमें हम लोग ईवीएस का रिवीजन करेंगे और हिंदी पढ़ेंगे। ईवीएस में चैप्टर 3 आवर फूड पढ़ने जा रहे हैं। आवर फूड चैप्टर में क्या पढ़े थे? फूड का इम्पोर्टेंस पढ़े थे। व्हाई डू वी नीड फूड, फूड हम लोग क्यों खाते हैं, और एक दिन में कितना बार मील्स लेते हैं ये पढ़े थे, और फूड हमारे मदद किस प्रकार करता है ये पढ़े थे, और सुबह के फूड को क्या कहते हैं, दोपहर के फूड को क्या कहते हैं, और रात के फूड को क्या कहते हैं ये पढ़े थे, और डिफरेंट काइंड्स के फूड होते हैं ये पढ़े थे। उसी में से कुछ आज हम लोग पढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या है। Why do we need food? First है we need food to live. B में है it keeps us strong and healthy. C में है it gives us energy to work and play. D में है all of the above. हम लोग को food की आवश्यकता क्यों है? हम लोग को फूड की आवश्यकता जिंदा रहने के लिए है। फूड हम लोग को मजबूत, बलवान और स्वस्थ बनाता है। फूड हम लोगों को ऊर्जा देती है ताकि हम काम कर सके और खेल सके। उपरोक्त सभी आंसर सही है, ऊपर लिखे हुए सभी सही हैं। ये ऊपर के ए बी सी तीनों ही हम लोगों को सही लग रहा है, जैसे कि हम लोग देखे अभी, इसलिए इसमें डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मील्स वी नीडेड इन अ डे, एक दिन में हम लोग को कितने समय भोजन की ज़रूरत पड़ती है? आप लोग पढ़े थे, याद होगा, एक दिन में हम लोगों को 3 मील्स की ज़रूरत पड़ती है, याद है ना सब बच्चों को? हाँ, तो हम लोग 3 को ही टिक करेंगे और बाकी सबको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज फूड हेल्प अस, भोजन हमारा मदद किस प्रकार करता है? ए है फूड हेल्प्स अस टू लिव, भोजन हम लोगों को जिंदा रखने में मदद करता है। बी है फूड हेल्प्स अस टू प्ले, भोजन हम लोग को खेलने में मदद करता है। सी है फूड हेल्प्स अस टू रीड, भोजन हम लोगों को पढ़ने में मदद करता है। और डी है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। जैसा कि हम लोग देखे कि फूड हम लोग को सचमुच में जिंदा में रहने में भी मदद करता है, खेलने में भी मदद करता है, और पढ़ने में भी मदद करता है, इसलिए तीनों में मदद करता है, इसलिए ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, इसलिए डी तीनों जो बोला गया वो सही है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऊपर के सभी सही है, इसलिए डी आंसर होगा। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो। फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले, पहला है फूड हम लोगों को क्या देती है जिसे हम काम भी कर पाते हैं और खेल भी पाते हैं। वाटर देती है, पहला है ए, बी है टाइम देती है, सी है एनर्जी देती है, सी एनर्जी करेक्ट है, ऊर्जा देती है, और डी को देखने का जरूरत नहीं है। सेकंड है वी हैव डैश इन द मॉर्निंग, हम लोग डैश इन सुबह में लेते हैं, सुबह में लेते हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, ब्रेकफास्ट लेते हैं सुबह में, हम लोगों को याद ही है। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, देखेंगे ऑप्शन में ब्रेकफास्ट किधर कहाँ है,
ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, इसलिए डी को टिक करेंगे। थर्ड है राइस इज अ डैश, राइस इज अ डैश, राइस क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड में हम पढ़े थे, राइस इज अ ग्रेन, तो ग्रेन को टिक करेंगे, ए ऑप्शन में ग्रेन है। फोर्थ में है वी शुड ड्रिंक क्लीन डैश, बुक के अनुसार इसमें हम लोग वाटर पढ़े थे, इस लेसन में दिया हुआ था आवर फूड में वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, इसलिए यहाँ पर वाटर ही होगा, तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। फिफ्थ है डैश इज ए फ्रूट, पोटैटो आलू तो कोई फ्रूट नहीं है, कोई फल नहीं है, कॉलीफ्लावर भी कोई फल नहीं है, ब्रेड भी कोई फल नहीं है, वाटरमेलन फल है, इसलिए वाटरमेलन डी हम लोग टिक करेंगे। इसको आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हिंदी, हिंदी में चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 क्या था, दीपावली आई, दीपावली आई में हम लोग क्या पढ़े थे, दीपावली आई में हम लोग पढ़े थे कि गीता की नानी पीली साड़ी पहनकर आई थी, नानी कुछ कुछ लेकर आई थी जैसे लीची, पपीता, नाशपाती, मिठाई इत्यादि। अब गीता की दीदी आई, ऐसा पढ़े थे, दीदी खीर बनाकर लाई, फिर गीता बाहर आई, दीवार पर दीपक सजाया, तभी गीता की सखी दीपा आई, मिलकर थाली सजाई, सीता राम जी की आरती गाई, मिठाई खीर खाकर दीपावली की बधाई दी। तो आप लोग को याद आ गया हम लोग दीपावली आई पाठ 5 में क्या पढ़े थे। अब हम लोग उसी पाठ के आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको बनाएंगे, देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। विकल्प में से सही शब्द चुनकर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, गीता की दीदी क्या बनाकर लाई, हलवा, मिठाई, लड्डू, खीर, आप ही बताइए गीता की दीदी क्या बनाकर लाई, गीता की दीदी खीर बनाकर लाई, इसलिए हम लोग घ में टिक करेंगे। दूसरा है गीता की सखी का क्या नाम है, इसमें 4 नाम दिए हुए हैं, आपको सोचना है। हम लोग देखें कि गीता की सखी का नाम दीपा है, दीपा क में ही है, इसलिए इसको टिक कर देंगे, आगे देखने का जरूरत ही नहीं। नानी कौन सी रंग की साड़ी पहन के आई, हम लोग देखें कि नानी पीली रंग की साड़ी पहन कर आई थी, तो पीली को टिक कर देंगे, आगे देखने का जरूरत नहीं है। गीता ने दीवार पर क्या सजाया, हम लोग देखे कि अभी देखे थे, देखते ऑप्शन में क्या है, माला, रंगोली, गुब्बारे, दीपक, गीता ने दीवार पर दीपक सजाया, घ होगा। 5वां है सबने मिलकर किसकी आरती गाई, सबने मिलकर सीताराम जी की आरती गाई, ऐसा हम लोगों ने देखा था, तो इसका उत्तर सीताराम जी की ही होगा, आगे देखने का जरूरत नहीं है। ये तो रही हिंदी की बात, सारा रिवीजन का क्वेश्चन आपके पास जा रहा है, आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और रेगुलर रेगुलर रहिएगा, देखिएगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। थैंक यू।